अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, हम सब ने नमाज़ वग़ैरह भी पढ़ ली है, और बाहर का मौसम इतना ठंडा ठंडा बना हुआ है। आज बारिश हो जाए तो थोड़ा मज़ा आ जाएगा। चेरी भी यहाँ पे बैठी हुई है आके, चेरी, और नीचे मुर्गे भी फिर गए दो। अम्मी ने भी कुरान यहाँ पे पढ़ लिया है, यहाँ बैठ के अम्मी कुरान पढ़ती हैं, अम्मी ने कुरान वगैरह भी पढ़ लिया है। अभी जो है अम्मी और मैं सोडा लेके आ रहे हैं बाहर से, सारा सोडा लाए, इसमें सारी चीनी वगैरह पत्ती चीज़ें, और इधर मैंने अभी भाई को नाश्ता दिया, भाई बहुत देर से उठे थे, और जो टमाटर वगैरह इसमें ऑयल है, तो ये सारे अभी भाइयों के नाश्ते के बर्तन वगैरह भी सारे मैंने धोने, और ये बोतलें वगैरह भी सारी भर के रखनी है, किचन फैला हुआ है, अभी सोना वगैरह भी रखा हुआ है, फिर मैंने इसको साफ करके ना फिर इसमें सारी चीज़ें ना रख। इसमें रखना है पहले, ये मैंने पुराने वाले टमाटर निकाल लिए हैं, पहले जो अभी लाई हूँ ना सफ़ा सफ़ा टमाटर को पहले इसके अंदर डालूँ। ये पुराने वाले टमाटर मैं ऊपर ऊपर रख रही हूँ, वरना ये ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने इसमें सारे रख लिए हैं, और बोंगलू भी रख लिए हैं सारे, एक रह गया बोंगलू, और इसको बोलते हैं शलजम, और बोंगलू भी कहते हैं, बोंगलू भी कहते हैं, शलजम भी कहते हैं। और ये मैंने इसमें हरी मिर्ची साफ़ सुथरी करके रखी है, और ये धनिया है पिछला बचा हुआ तो इसको ऊपर रखेंगे, आज हांडी में डाल लेंगे, और ये नींबू है यहाँ रखते हैं, और बाकी चीज़ें उठाते हैं, और भिंडी भी है तो भिंडी में इधर रख देंगे, और गाइस हम ये पपीता भी लाएँ क्योंकि ये हम पीस के रखते हैं, पीस के पेस्ट बना के रख लेते हैं, गोश्त वगैरह गलाने में, गोश्त गलाने के लिए ऊपर फ्रीज़र में रख लें पीस के, जिसको भी यूज़ करना है, इसको तो मैं ऊपर ही रख रही हूँ ताकि मुझे याद रहे। और इसमें धनिया है, और ये पालक है, तो मैं धनिया को अलग कर लेती हूँ शोपर में, वरना ख़राब हो जाए, इस शोपर में मैं धनिया रखूँ। ये पालक, तो मैं पालक अलग ही शोपर को रखूँगी, डायरेक्ट फ्रिज की जाली में। इधर मैं रखूँगी पालक, और ये अंडे मैंने रख दिए थे पहले से, और ये आ गई पालक, पालक अंडी, शोपर छोटा है ना शायद इसलिए नहीं आ रही, पीछे नहीं रखना गल जाती है ना, थोड़ा सा आगे करते हैं। हाँ बस पालक को, और
बंद कर दूँ जब तक रख। एक ये भी चीज़ लाई है हमने, ककड़ी। ये है ककड़ी, हमने आधी इसमें से खा ली है, अभी आधी बची है, जिसका दिल करेगा वो खा लेगा। तो अभी मैंने नहीं खाई है, तो मैं भी सिर्फ चाट मसाला लगा के खाऊंगी, नमक नहीं, मुझे चाट मसाले में नमक पहले से होता है। मुझे पता नहीं था नमक ज़्यादा था। फ्रिज में देखें, पानी की बोतल में बस ये दो और एक यहाँ पे रखी हुई है, बाकी सारी क्योंकि खाली है। ये क्या है इसमें? ये सारा सोडा है, इसमें नमक। माशाल्लाह से दो थैलियाँ ही हमारी इतनी अच्छी खासी चल जाती हैं। एक हम नेशनल वालों का ही नमक यूज़ करते हैं, और ये ब्लू शॉपर वाला। तो हफ्ते में बिरयानी बनेगी, तो ये तीन बिरयानी शाशन, और चने की दाल भी बनेगी, और अचार गोश्त शाशन, और ये हम सौदे की पर्चियाँ भी बनवाते रहते हैं, जिन जिन से सौदा लाते हैं राइस, क्योंकि फिर हमें आके हिसाब भी करना होता है। लाइट देखें हमारी जा चुकी है, पूरे घर में हो गया हमारा अंधेरा, हम पर्चियाँ भी पूरा अंधेरा हो। अच्छे हैं, इसलिए बनवा लेते हैं, फिर घर पे आके हमें करना होता है हिसाब के, पैसे कहीं गिर गिर तो नहीं गए या किसी को ज़्यादा तो नहीं दे दिए इसलिए। और ये शो पर हम रख लेते हैं संभाल के, कचरे के लिए, क्योंकि कचरे के काम में आते हैं, डस्टबिन बनवा लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैं रख दूँगी, एक बाल्टी सोडे की बाल्टी है मेरे पास, उसमें रख दूँगी बाल्टी बाल्टी जिसमें हमारा रहता है राशन, दालें, पत्ती भी मुझे डालनी। और हमने उस दिन छोले की चाट बनाई थी, तो अभी भी अभी सारे छोले बाकी पड़े हैं, और साइड वाले भी रखे हैं छोले। ये राशन वाला कबर्ड है, और ये छुरी आप लोगों को दिख रही होगी शायद, इसलिए हमने इसमें रखी हुई क्योंकि ये यूज में नहीं आती, जब से हमने छोटी छुरी लाई है ना उसी की आदत हो गई। और ये मैं बाल्टी में डालूँगी अभी, इसमें है थोड़ी और भी, बोल पहले निकाल लो पुरानी वाली है, पुरानी हाँ ये है। पत्ती भी निकाल लेती हूँ डालने के लिए, डाली तो रही थोड़ी सी पत्ती, खत्म हो जाएगी तो डाल लेंगे दोबारा, क्या कहती है? नहीं अभी डालूंगी। ऑयल है तो ये मैं ऑयल बाल्टी पर रख दूँगी, यहाँ पे ऑयल भी मुझे डालना है। बस हमारे सिंक में ये बर्तन है, ये जो अभी वॉश होंगे, ये रे कुछ रखे हैं क्योंकि देर से नाश्ता किया है भाई लोगों ने, तो ऐसे ही रखे हुए थे। चल अब धुल जाएंगे बर्तन जल्दी से, और यहाँ डाली जा रही है चीनी। हम रखते हैं फ्रिज में क्योंकि बाहर चीनियाँ आ जाती हैं चीनी। पत्ती भी मैंने डाल दी है, और थोड़ी सी यहाँ पे गिर भी गई है पत्ती, तो ये मैं समेट लूँगी। तो 7:30 हो रहे हैं, गैस अभी आई है, तो मैंने फ़ौरन से जल्दी से करना अचार गोश्त की तैयारी की है। सबसे पहले मैंने ऑयल गरम करके उसमें ज़ीरा ब्राउन किया है, ज़ीरा ब्राउन करके मैंने अदरक लहसुन डाले, टमाटर डाले, अब इसमें डालना है मैंने किसी भी मसाले, वही जो होते हैं किसी भी मिर्चें, हल्दी, पिसावा धनिया। अभी मैंने 1 स्पून डाली है किसी भी मिर्चें, तो छाछे भी डलेगा ना? हाँ, अचार गोश्त का छाछे डालेगा इसमें, और 1 स्पून पिसावा धनिया। और थोड़ी सी हल्दी, नमक भी बाद में डालेगा। ये आ गया चार लोगों का शाश।
बस मैंने मसाला चेक करना है कि नमक इसमें कितना है, फिर नमक डालूंगी हिसाब से। अभी जो है मैंने नमक डाल लिया है मसाला चेक के, जितना ज़रूरत था उतना ही मैंने इसमें नमक डाला है। और हालांकि मैं छालियाँ नहीं खाती हूँ, फिर भी पता नहीं कैसे उल्टे सीधे अल्फाज निकल रहे हैं, आप लोग इग्नोर करिएगा। और मैंने इसमें डालनी है थोड़ी सी किसी भी मिर्चें और, ताकि चटपटा सा हो जाए। वन स्पून और डालूंगी मैं इसमें। ये हमारा मसाला हो गया है बिल्कुल रेडी, तो मैं अब जल्दी से चिकन को धो के और उसको कटिंग करके इसमें डालती हूँ, क्योंकि मैं बोनलेस लाती हूँ पूरा एक साथ साबुत ले आती हूँ, उनसे बोटियाँ नहीं बनवाती, बोटियाँ हम अपने हिसाब से बना लेते हैं खुद ही। क्योंकि ना ज़्यादा छोटी कर देते हैं, कभी ज़्यादा बड़ी कर देते हैं, तो हम खुद ही काट लेते हैं बोनलेस को। अभी मैं इसको हल्का कर देती हूँ और इस साइड पर मैं बोनलेस हो लेती हूँ। अभी मैंने चिकन को धो लिया है अच्छे से, अब इसके मैं करूँगी पीस, जितने बड़े हमें चाहिए उतने बड़े पीस करूँगी। चिकन वगैरह काटने के लिए ये हमारी जो है ना छुरी बहुत छोटी है, तो मैं बड़ी छुरी भी लाऊंगी न्यू, जब मम्मा के साथ मॉल जाऊंगी ना तो लाऊंगी। अभी गाइस ये मैं काट रही हूँ ना, बोटियाँ कर रही हूँ इसकी, तो मैं इसके बाद इसको धोऊंगी भी दोबारा। दो बार तो धो चुकी हूँ मैं, अब तीसरी बार भी इसे धोऊंगी पीस करने के बाद। इसको भी धो लेते हैं, वॉश कर लेते हैं। ये बल्कि मेरा आटा गूंद रहा होगा, तो ये कूलर में पानी बनाएंगी, बोतलें भरेंगी, क्योंकि हमारा पानी जो है फ्रिज में नहीं है ठंडा बिल्कुल भी, क्योंकि लाइट पूरा दिन से नहीं थी, आ रही जा रही है आजकल पता नहीं क्यों। सुबह ही मुझे बनाना चाहिए था कूलर में पानी 12 बजे, पर ना मैं भूल गई थी, आज बहुत काम था तो इस वजह से नहीं बना पाई मैं पानी। तो अब देखे रात हो रही है बाहर, पूरा अंधेरा हो रहा है, तो ये ठंडा पानी हो जाएगा ना, तो फ्रिज में तो इतनी कूलिंग है नहीं, ठंडा पानी बना लेंगे, उसकी बोतल ठंडी ठंडी रख देंगे जो हम इस्तेमाल करेंगे आराम से। और ये मसाला हो गया बिल्कुल रेडी, और मैं इसमें ना बड़ी मिर्चें डालना भूल गई हूँ, तो बड़ी मिर्चें भी मैं डालूंगी अभी। मिर्चें निकालनी है तो बड़ी मिर्चें निकालनी है, आज ही सारा सोडा वगैरह हम लाए हैं। ककड़ी भी मुझे खानी है, ककड़ी भी नहीं खाई है मैंने, टाइम ही नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, क्योंकि अभी खाने से पहले आंटी को आने से पहले मैं मॉल गई थी अम्मी के साथ, जाके ब्लैकी का दाना लाए, जहाँ हम दाना लाए थे तो वो वाला तो मिला ही नहीं, तो दूसरा था मॉल में, तो हम दूसरा वाला ही ले आए, तो वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी कौन सा लाए। ये मैंने 5 मिर्चें ले ली हैं 6 ml के, ये मैं डाल ली हूँ इसमें, क्योंकि मिर्चें बहुत पसंद करते हैं हम लोग, सालन में लाजमी मिर्चें तो चाहिए ही होती हैं। ये बहुत मज़ेदार सालन बन रहा है, जिसको खाना है वो आ सकता है खाने के लिए।
और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा करें, लाइक करा करें, शेयर करा करें और प्यारे प्यारे कमेंट्स किया करें। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए प्यार होता है और यही कह सकते हैं और क्या करें, कर दिया करें। आप लोग इतने सारे लोग हमें देखते हैं तो कमेंट भी कर दिया करें, उससे हमें पता चलता है हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। हल्का सा मैंने आधा गिलास इसमें पानी डाल दिया है ताकि चिकन इसमें गल जाए और मसाला भी इसी में बन जाए जितना मैंने इसमें पानी डाला है। बस आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद चेक करेंगे, आके खोलेंगे तो हमारा सालन रेडी होगा। धनिया काट के आस्ता आस्ता इनका सारा काम होता जा रहा है और मैं बैठी हुई हूँ, बस मैं बना रही हूँ वीडियो। धनिया मैंने बिल्कुल रेडी कर लिया है काट के, मैं इसको और ढक देती हूँ। इस पे ये ढक्कन ढक दिया है गाइस और अब मैं जा रही हूँ किचन में आराम करने। किचन में आराम करने जा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आराम करने जा रही हूँ। नहीं, मैं जा रही हूँ कमरे में आराम करने के लिए। आटा छान लिया है, निकाल लिया है, अब ये गूंदेंगी आटा, फिर उसके बाद रोटी वगैरह पकाएंगी जब तक मेरा सालन रेडी हो जाएगा और फिर हम लोग खाना वगैरह खाएंगे। और ईशा की अजान भी हो रही है तो हम नमाज वगैरह भी पढ़ लेंगे। और केट फूड जो लाई है वो भी, हाँ केट फूड भी खा लूँ। मैं आप लोगों को दाना दिखा रही हूँ कौन सा केट फूड लाई हूँ। अभी अम्मी के साथ जाके लीली भी वहाँ पर सो रही है, ये वाला केट फूड लाए हैं मैं, लाए भी हम मॉल से क्योंकि जो हम लाते हैं वो मिला नहीं तो इस बार हम ये वाला लाए। ये वाला भी खा रहे हैं हमारी बिल्लियां शौक से, पर हम ये नहीं जो इससे पहले हम लाए थे वही वाला लाएंगे। और चेरी भी आ गई, चेरी बोलिए मुझे दे रहे हैं और इसके अंदर से ना दाना इस तरीके का निकल रहा है। चेरी खाना है आपने, नया दूं निकाल के पैकेट में से, क्या बोलती हो? लो खाओ, आगे कर दूँ। चेरी ने मैं थोड़ा सा ही खाया है और आ गई। और हमने ना सोफे को यहाँ से कवर कर दिया है क्योंकि मिली जो है ना बार बार इसको ना नोच के इसके अंदर चली जाती थी और फिर हमें निकालना पड़ता था, तभी हमने ये सी दिए। लोगों हमारा ब्लॉग पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।